जय हिंद वंदे मातरम साथियों, अत्यंत दुखद खबर राजस्थान के सीकर से निकलकर आ रहे हैं। सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसाना के रहने वाले बीएसएफ के हवलदार बनवारी लाल कोमावत देश की सरहद पर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जैसे ही शहादत की सूचना परिजनों को मिली तो घर में कोहराम मच गया, वहीं क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिली है। शहादत की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद बनवारी लाल के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बीएसएफ में कार्यरत सीकर जिले के पलसाना निवासी बनवारी लाल जी कुमावत का अपने कर्तव्य पथ का कार्य करते हुए आकस्मिक निधन हो जाना अत्यंत पीड़ादायक है। मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर पैरामिलिट्री में ऑन ड्यूटी निधन होने पर मिलने वाली समस्त परिलाभ सहित बनवारी लाल जी कुमावत के परिजनों को दिलवाने की बात कही है। वहीं संभागीय आयुक्त अंतर सिंह जी से नेहरा व सीकर के जिला पुलिस अधीक्षक को दूरभाष पर वार्ता कर पूरे राज्य के सम्मान के साथ बनवारी लाल जी का अंतिम संस्कार करने की बात कही। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि ऐसे मामले में सीकर कलेक्टर द्वारा शहीद के परिजनों से कोई बात नहीं करना और बीएसएफ के अधिकारियों में समन्वय स्थापित करके शहीद के अंतिम विदाई के लिए प्रशासन के स्तर से की जाने वाली तैयारियों को शुरू नहीं करवाना कलेक्टर सीकर का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। चूंकि गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष सीकर जिले से आते हैं, बावजूद इसके कलेक्टर द्वारा गंभीरता नहीं दिखाना गहलोत सरकार की संवेदनहीनता का बड़ा उदाहरण है। ईश्वर दुर्गंत आत्मा शहीद बनवारी लाल जी के चरणों में शांति प्रदान करे। आरएलपी परिवार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है, ऐसा हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है। वहीं शहादत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं इनका पार्थिव शरीर आज इनके पैतृक निवास स्थान पलसाना पहुंचेगा, जहां पूरे राज्य के सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। मां भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। अपरा समाचार यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है। शहीद जवान बनवारी लाल जो कि बीएसएफ में हवलदार के पद पर थे, वे बीएसएफ के 142वीं बटालियन में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान इनका निधन हो जाने की वजह से मां भारती की गोद में सदा के लिए समा गए हैं। जैसे ही शहादत की सूचना मिली तो हर किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं आपसे क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आगे के अपडेट के लिए आप अपरा समाचार यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।